ऐसा नहीं है। नहीं पर ये गाड़ी बढ़ते बढ़ते आ रही है यहाँ पे, गाड़ी जो है चले गई। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक पहुंच रहा है, वोट के लिए नेताजी कुछ भी करने को तैयार हैं। एक ओर तीखी बयानबाजियां हो रही हैं, तो दूसरी ओर बाबा केदार की पवित्र धरती पर शराब का खेल भी चल रहा है। बीती रात तल्ला नागपुर चोपता क्षेत्र में एक कार से शराब बरामद की गई है। कार में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य का स्टिकर चस्पा है। जैसे ही ये पता चला कि भाजपा की गाड़ी के भीतर शराब भरी है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर हंगामा किया। इसके बाद मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत और उनके समर्थक भी पहुंच गए और जमकर नारेबाजी होने लगी। यहां तक कि कार्रवाई की मांग को लेकर मनोज रावत मौके पर ही धरने पर बैठ गए। शराब के नाम पर और सरकार के नाम के नीचे सरकार के कहने पर चारों तरफ सरकारी मशीनें भी शराब बांटने का काम कर रही है। इसे उत्तराखंड की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो आज ये ट्रक है इधर गाड़ी, इस पर जो बीजेपी के उसको दिखाओ, प्रदेश कार्य समिति शर्म करो। अरे आपको इस प्रदेश की सेवा की जिम्मेदारी दी गई थी, दारू बांटने की जिम्मेदारी दी गई है, ये कतई विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब और धन का प्रयोग कर रही है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के इन तमाम आरोपों का खंडन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।